हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ रन फिनिश टेक्निक, यानी दौड़ों को समाप्त करने की टेक्निक। कितनी विधियाँ होती हैं, दौड़ को कैसे समाप्त किया जाता है, इसके बारे में। दोस्तों, इससे पहले मैं बताना चाहती हूँ, यदि आप दौड़ों की स्टार्टिंग पोजिशंस क्या होती है एंड इसको कितने कमांड दिए जाते हैं, इस बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। एंड दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी एग्जाम्स यानी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे KVS, NVS हो, LT, UP, TGT, PGT हो, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करने के लिए आप मेरे चैनल के सभी वीडियो को वॉच कर सकते हैं, अपनी तैयारी कंटिन्यू बना सकते हैं। दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, रन फिनिश टेक्निक। दोस्तों, ये छोटा सा टॉपिक है बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। बस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं, उसी को इसमें ऐड किया गया है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि रन को समाप्त करने की कितनी टेक्निक होती है। रन को समाप्त करने, दौड़ को समाप्त करने की 3 टेक्निक होते हैं। कौन कौन से? रन थ्रू, यानी कि वेगपूर्ण समाप्ति, एंड दूसरा ड्रॉप फिनिश टेक्निक या लंज थ्रू, इसमें सीने द्वारा समाप्ति होता है, एंड तीसरा शोल्डर श्रग यानी कंधे द्वारा समाप्ति। यही 3 टेक्निक होती है हमारे दौड़ को समाप्त करने की। तो कैसे कैसे होता है थोड़ा जान लेते हैं। तो रन थ्रू यानी वेगपूर्ण समाप्ति में, इसमें जो एथलीट होता है फिनिशिंग पॉइंट पर विचार न करते हुए सीधे वेगपूर्ण यानी तेज गति के साथ वह फिनिश लाइन को पार कर जाता है। एंड दूसरा लंज थ्रो यानी कि ड्रॉप फिनिश टेक्निक या लंज थ्रो, इसमें सीने द्वारा समाप्ति होती है। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के समाप्ति में एथलीट जो होता है, जब तक फिनिशिंग लाइन सिर्फ 1 कदम आगे होती है, तो एथलीट दोनों हाथों को पीछे की ओर झुकाता है और छाती से फिनिशिंग लाइन पट्टे को छूने की कोशिश करता है। तो ये जैसे कि चित्र में दिख रहा है। एंड तीसरा है शोल्डर श्रग टेक्निक, यानी कि शोल्डर को सिकुड़ने की टेक्निक। क्या होता है कि ये अपोजिट साइड के कंधे से पैर को छूना होता है, इसमें जैसे कि कंधे द्वारा समाप्ति होता है। इस तरह की फिनिशिंग में एथलीट आखिरी मोमेंट पर छाती को बगल में टेप में बदल कर अपने विपरीत कंधे को टेप से सिकोड़ता है। जैसे कि हम इधर से बगल में टेप को हम झुका रहे हैं, एक कंधे दूसरे तरफ, एक कंधा दूसरे तरफ, तो दूसरे वाले कंधे से हम समाप्ति करेंगे, टेप को छुएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, ये था दौड़ को समाप्त करने की 3 टेक्निक। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दौड़ को समाप्त करने की कितनी टेक्निक है, तो 3 टेक्निक। कौन कौन से? रन थ्रू, लंज थ्रू एंड शोल्डर श्रग, यानी रन थ्रू यानी वेगपूर्ण समाप्ति, लंज थ्रू यानी सीने द्वारा समाप्ति, शोल्डर श्रग यानी कंधे द्वारा समाप्ति। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि इन तीनों दौड़ों में, इन तीनों प्रकार के फिनिशिंग में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दौड़ तभी समाप्त होगा जब तक हमारा टोर्सो यानी कमर से कंधे तक का भाग इमेजरी लाइन को पार नहीं करेगा, तब तक दौड़ समाप्त नहीं होगा। तो टोर्सो में क्या आता है, हमारे कमर से कंधे तक का भाग को टोर्सो कहते हैं, यानी कि हमारे दोनों हाथ, दोनों पैर एंड हमारे गर्दन इसमें शामिल नहीं होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि टोर्सो किसे कहते हैं, तो इसी भाग को टोर्सो कहते हैं। यानी इन तीनों प्रकार के दौड़ की समाप्ति में जब तक हमारा टोर्सो इमेजरी लाइन यानी कि फिनिश लाइन को पार नहीं करेगा, तब तक दौड़ की समाप्ति नहीं माना जाएगा। फिनिश लाइन में 2 लाइन होते हैं, एक इनर एज, एक बाहर का लाइन। इनर एज यानी जिस तरह से हम दौड़ते हुए आ रहे हैं उस तरफ के लाइन को इनर एज कहा जाता है, यानी उस लाइन को पार करना वेरी इंपॉर्टेंट होता है। उस लाइन को पार कर गया, यानी भले ही हम हाथ से पैर से पार हो गए, और दौड़ की समाप्ति नहीं माना जाएगा जब तक हमारी टोर्सो यानी कमर से कंधे तक का भाग पार नहीं होता है इन तीनों प्रकार के दौड़ की टेक्निक में, ठीक है। तो दोस्तों, ये था दौड़ को समाप्त करने की टेक्निक के बारे में। आई होप कि मैं अच्छे से इसको समझा पाई होंगी, आपको वीडियो समझ में आया होगा। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट में जरूर बताइए, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। दोस्तों, वही टॉपिक मैं बता रही हूँ जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।